जागरण से हूं। मैं सभी समाज सभी लोगों को महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामना देता हूं। वह संदेश दूंगा कि सभी युवा वर्ग के लोग कुरीतियों को छोड़कर शिक्षा की ओर अग्रसित होकर महर्षि वाल्मीकि ने जिस तरीके से रामायण लिखी उसी तरीके से नाम अपना यश कीर्ति वैभव के साथ स्थापित करें। मैं अपील करता हूं शिक्षित संगठित होकर देश के कीर्तिमान नागरिक बने व पुनः एक बार फिर महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपोत्सव जो है एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे होता है, तो अपने तरह का अनूठा कार्यक्रम है और जो उसमें अयोध्या की जो संस्कृति है और श्री राम के वापस आने की जो परंपरा है उसको उल्लासपूर्ण ढंग से इसको मनाते हैं। और पिछले 2 सालों से शासकीय कार्यक्रम भी बहुत बड़ा इसमें आयोजित होता रहा है, बहुत बड़े उत्सव के रूप में। प्रयास ये है कि इस कार्यक्रम से अधिक जो सामाजिक संगठन है हमारे जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम से जुड़े और उस कार्यक्रम को अपने कार्यक्रम की तरह अपनाएं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि तो जितना अधिक से अधिक ब्रॉडवेज हम लोग कर सकते हैं, तो उसमें आज अयोध्या के जितने भी सामाजिक संगठन है, चाहे लॉयंस है, रोटरी है, जो मारवाड़ी समाज के लोग हैं, जो सिख समाज के लोग हैं, उन सब लोगों के साथ बैठक हुई, जो व्यापारी हैं हमारे, हर वर्ग के जो हमारे सामाजिक संगठन के लोग हैं उनके साथ आज बैठक के बात हुई है। उन सब लोगों ने बहुत ही इसमें खुशी व्यक्त की और इसको अपनाने में उनको बहुत ही हर्ष का अनुभव हुआ। सब लोगों ने अपनी खुशी से उनके आसपास के जो भी स्थल है, सार्वजनिक स्थल है, उनको चुना और दीपोत्सव के साथ साथ इन जगहों पर भी उस दिन जो है देवदान दीपोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हो, इसके लिए आज जो है हम लोगों ने बैठ के प्लानिंग करी है। और आपको जो है दीपोत्सव का पूरा इस बार एक्सटेंशन दिखेगा पूरे यहाँ जनपद मुख्यालय से लेकर के और सरयू नदी तक, हर जगह 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 आपको सार्वजनिक स्थल पर दीपोत्सव का आयोजन देखने को मिलेगा, उसकी पूरी जो है रूपरेखा बनाएगी। दीपोत्सव का बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है, ये तीसरी बार हो रहा है अयोध्या में और माननीय मुख्यमंत्री जी ये जिन्होंने अयोध्या को विश्व स्तर पर विश्व पटल पर स्थापित करने का काम किया दीपोत्सव के माध्यम से, उसको इस बार और वैभवपूर्ण और गरिमापूर्ण और ओजस्वी और बेहतर तरीके से हम लोग कैसे मनाएं और कैसे उसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करें, समाज के हर वर्ग को उसके साथ कैसे जोड़ा जाए, आज की मीटिंग का उद्देश्य यही था। आज हम लोगों ने यहाँ पर मारवाड़ी सेवा ट्रस्ट, रोटरी क्लब, जेसीज क्लब, मारवाड़ी युवा मंच, अग्रवाल सभा, इनर व्हील क्लब, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन, व्यापार मंडल, विभिन्न सामाजिक संगठनों के जिम्मेदार सम्मानित पदाधिकारियों को बुलाया था इस नगर के, अयोध्या नगर के, और उन सब लोगों के बीच में हम लोगों ने, मैंने, जिलाधिकारी महोदय ने और हमारे एटीएम सिटी, हम लोगों ने बात को रखा कि ये कैसे इस कार्यक्रम को पूरे जनपद में दीपोत्सव की जो हर्षोल्लास और खुशी है कैसे उसका मनाया जाए और कैसे समाज के लोगों को उससे जोड़ा जाए, तो शहर के अंदर कम से कम 40 से 50 जगहों पर दीपोत्सव की छटा निकलेगी। लोग स्वयं ये जितने सामाजिक संगठन के लोग हैं ये दीपोत्सव यहाँ भी मनाएंगे, दिए जलाएंगे, मिठाई बांटेंगे, फुलझड़ी जोड़ेंगे और इस तरह भगवान राम इस तरह 14 वर्ष बाद लौटे थे अयोध्या में और अयोध्या के लोगों ने खुशी मनाई थी, अयोध्या के लोगों ने उनको उनका उनको उनका स्वागत और अभिनंदन किया था। इसी प्रकार से केवल अयोध्या नगर में ही नहीं इस शहर के नगर में भी उसी प्रकार से लोग में उत्साह है और वो इसको मनाने की योजना बनाएंगे और जगह जगह हम लोग प्रयास करेंगे कि समाज के हर वर्ग के लोग इस दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हों